Sixth chapter, compound interest. Fourth worksheet. Fourth question. The profit of a firm were 72,000 in the year 2014. During the next year, it increased by 7% and it decreased by 5% in the following years. What are the profit of the firm after 2 years? Am I given a profit of the firm? Rupees 72,000. Phir it increased by 7%. Yani in first year it increased by 7%. So increase percentage, increase in profit ~7% in first year, or decrease in profit 5% in second year. तो हमें बताना है profit after 2 year. Time हमें given है यानी 2 year. तो profit of the firm after 2 year is 72,000. First year में प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है तो हम प्लस में लेंगे 1 प्लस रेट ऑफ रेट जो है प्लस में लेंगे रेट ऑफ ग्रोथ, और सेकंड ईयर में डिक्रीज हुआ है तो हम आर माइनस में लेंगे. प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है तो हम आर माइनस में शो करेंगे. आगे देखते हैं 72,000 ये आया, 100 एलसीएम आ गया तो ये बन गया 100 प्लस 7, और नेक्स्ट में हमने 5 से कट कर दिया पहले से तो 20 एलसीएम आया, 20 माइनस 1. तो 72,000 मल्टीप्लाई 107 बाय 100 मल्टीप्लाई 19 बाय 20. तो ये तीन जीरो हमने कट कर दी डिनोमिनेटर से, 2 से 76 को कट के आया 36, तो ये आया 36 मल्टीप्लाई 107 मल्टीप्लाई 19. इन तीनों की मल्टीप्लाई करी तो हमारे पास आया रुपीज 73,188. तो दिस इज द प्रॉफिट ऑफ द फर्म आफ्टर 2 ईयर. फिफ्थ क्वेश्चन. द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 64,000. इफ द एनुअल बर्थ रेट इज 10.7% and the annual death rate is 3.2%. Calculate the population after 3 years. तो हमें population given है town की. Population of a town 64,000. फिर given है the annual birth rate. The annual birth rate is 10.7% and the annual death rate वो given है 3.2%. तो पहले हम इन दोनों से निकालेंगे net growth rate. birth rate में से death rate minus कर देंगे तो आ जाएगा net growth rate कि finally कितनी growth हुई है. तो 10.7 माइनस 3.2% तो ये बन गया 3. इसे माइनस करा तो ये आया 7.5%. तो नेट ग्रोथ रेट आई 7.5%. अब हमें पॉपुलेशन बतानी है आफ्टर 3 ईयर. तो पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर is 64,000. 1 plus net growth rate 7.5
5% और टाइम 3 ईयर। इसे हमने डेसिमल को रिमूव करके नीचे एक जीरो बढ़ा ली। 25 से कट करते हैं इसे, 25 थ्री जा 75, 25 फोर जा 100, तो यही आया 40। तो हम इसे लिख सकते हैं 64,000, 40 एलसीएम आ गया, 40 प्लस 3 इसका होल क्यूब 64,000, 40 प्लस 3 43, 43 अपॉन 40, 43 अपॉन 40 थ्री टाइम्स लिखेंगे, पावर 3 है, ये लिखा, 3 जीरो कट हो गई और 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो इन 3 4 से ये 64 भी कट हो गया। अब हमारे पास बचा 43 मल्टीप्लाई 43 मल्टीप्लाई 43, इन तीनों का प्रोडक्ट किया तो ये आया 79,507। सो द पॉपुलेशन ऑफ टाउन आफ्टर 3 ईयर विल बी 79,507। सिक्स क्वेश्चन, इन अ फैक्ट्री द प्रोडक्शन ऑफ मोटरबाइक वाज 40,000 इन अ पर्टिकुलर ईयर विच रोज टू 48,400 इन 2 ईयर्स। फाइंड द रेट ऑफ ग्रोथ पर एनम इफ इट वाज यूनिफॉर्म ड्यूरिंग 2 ईयर्स। तो प्रोडक्शन ऑफ बाइक The production of motorbike was 40,000 and the production increase rose बड़ा है, the production of bike after 2 years कितना हो गया 48,400 इन 2 ईयर। टाइम हमें 2 ईयर गिवन है और रेट ऑफ ग्रोथ हमें फाइंड करना है, तो बढ़कर जितना हो गया इसे हम लेंगे ए प्लेस पर जो फाइनल आया, और जो जितना पहले था वो हो गया पी, उसे हम कंसीडर करेंगे पी 40,000। 1 प्लस आर रेट ऑफ ग्रोथ हमें फाइंड करना है और टाइम है 2 ईयर, तो 48,400 अपॉन 40,000 यहाँ आके डिवीजन में आ गया, 100 एलसीएम आया, यहाँ पे हमने लिया 100 प्लस आर इसका होल स्क्वायर, ये लास्ट के दो जीरो हमने कैंसिल करी, 400 है 20 का स्क्वायर और 484 है 22 का स्क्वायर, तो हम इसे लिख सकते हैं 22 अपॉन 20 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ हमारी पावर जो है वो सेम हो गई, तो पावर सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगी पावर, और फिर हम कंपेयर करेंगे बेस को, यानी 22 अपॉन 20 इज इक्वल टू 100 प्लस आर अपॉन 100, इसे हमने रिड्यूस कर दिया 2 1 2 5 से, यहाँ आया 100 प्लस आर इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई 5 यानी 110 और R is equal to 110 minus 100 means 10%, तो rate of growth कितना आया 10%।